काम करने चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए बिनते जब्बार इंडिया से पहली बात तो उन कामों से बचना चाहिए जिससे एहतकाफ टूट जाता है एहतकाफ में लोग बिलावजा मस्जिद से के सहन से बाहर निकल जाते हैं वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम से बाहर आके किसी से गपशप लगाना शुरू कर देते हैं तो हर वो काम जिससे एहतकाफ टूटता है उससे बचना चाहिए दूसरा एहतकाफ में गीबतों से बचना चाहिए बद नदरी से बचना चाहिए तकाफ़ में भी लोग आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे और फेसबुक पर लड़कियों से चैटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहद हरकत है और जो है गीबत, गीबत से बचें आप और उसमें जो है कि बद नदरी से बचें आप जमात की नमाज तकबीर उला छोड़ने से बचें आप मस्जिद में रहते हुए भी तकबीर उलै से नमाज नहीं हो रही है तो कितनी हरज की बात है बाकी ये कि अपने शेड्यूल को अहतकाफ़ में मुतन करना चाहिए कि पहले से ये फ़ैसला कर लेना चाहिए मैंने ये दस दिन कैसे गुजारने है? तो इसमें कितनी तस्बीहात पढ़नी है कितनी तिलावत करनी है और क्या क्या सीखना है ये सब शेड्यूल पहले से होगा तो आपका एहतक में टाइम वेस्ट नहीं होगा लोगों को पता ही नहीं होता जाने के बाद सोच रहे होते हैं हमने करना क्या तो सोचने सोचने में पाँच दिन गुजर जाते हैं फिर पाँच दिन के बाद ख्याल आता है कि पाँच रह गए तो अब क्या शेड्यूल बनाना तो इसलिए पहले से

गुनाहों से तोबा करनी है जब हम दस दिन बाद मस्जिद से निकलेंगे या खुवान जो एहतक के कमरे में बैठती हैं हम जब दस दिन बाद एहतक ख़त्म होगा तो हमारे अंदर चेंजिंग आनी चाहिए कोई ना कोई गुना हमारी जिंदगी से